मां खाला की बर्थडे है तो उसके लिए हम सेलिब्रेट करने जाएंगे नानी उम पे। और आज हिमा खाला के लिए मैं गिफ्ट लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो बहुत से लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि जी आप मैके नहीं जाती हैं, अपनी अम्मी के घर ले जाके ब्लॉग नहीं बनाती। तो आज वो दिन आ गया है। हाँ, हम जाते तो है लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाते। वहाँ पे कमेंट बहनों के घर तो काफी दफा बनाया हमने, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं अपने मैके जाके ब्लॉग बनाऊंगी। एफ का क्या सीन है? एफ का ही सीन है कि दो बॉटल्स लाए थे, एक अपनी एक मेरी सेम बॉटल, तो हमने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एफ लिख दिया। हालांकि एक ही घर में रहती है और हम घर में ही यूज करते हैं और हम एक दूसरे की बॉटल से ही पानी पीते हैं। मोस्टली कमर मेरी बॉटल से ही पानी पीते हैं। अच्छा, अपना नहीं बोलना, मेरा फॉरन कमर मेरी बॉटल से पानी पीते हैं। ट्रेडमिल हो रही है तो वहाँ फिटनेस का वो चल रहा है। हाँ, ये इंक्लाइन 12 पे और इंक्लाइन 12 पे जिस स्पीड कम है लेकिन इंक्लाइन जो है ना वो ज्यादा है। पर इंक्लाइन से बैक प्रॉब्लम नहीं हो जाता? आई थिंक मैं स्विच करती रहती हूँ, इंक्लाइन कम करती हूँ और फिर जो है स्पीड बढ़ाती हूँ और फिर स्पीड कम करके 10 मिनट्स ऐसे डिवाइड करती हूँ। तो आज मेरी बड़ी बहन है हिना बाजी, उनकी बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, उनकी आज बर्थडे है तो फर्स्ट टाइम आपको उनसे मिलवाएंगे हम। और कौन से गपशप करेंगे और कोई गेम खेलेंगे और केक काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और मेरी दूसरी बहन है मरियम जो कि दुबई में होती है, उसको आज हम बहुत मिस कर रहे हैं। लव यू मरियम। चल झूठी अभी आपके टाइगर कहाँ जा रहे हैं यार? ये बर्थडे में। तो गाइस हम लोग तो रेडी हैं, फातिमा को थोड़ा टाइम लगेगा तो हम चेक करते हैं कि फातिमा को कितना टाइम और लगेगा और हम कितने में निकलेंगे। और एक चीज़ और, बहुत जल्दी मेरा वेट लॉस का जो जर्नी है वो मैं शेयर करने वाला हूँ यूट्यूब पर, तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कीजिएगा, उसके थ्रू वेट लूज कीजिएगा। मैं ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ 5 to 6 kg, तो इंशाल्लाह विद इन 3-4 days आप वाला ब्लॉग देखेंगे। ओके, ये महावीर है जो कहीं भी जाने से पहले इतना सारा सामान साथ में इकट्ठा कर लेता है ना। ये कहाँ लेके जा रहे हो आप? क्यों? खेलना है लूडो। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है खेलने के लिए। लेकिन लूडो तो नहीं है ना? चेस है। और ये लूडो नहीं है, ये लूडो है। है उनके पास, चलो आ जाओ। चले लूडो नहीं है, चलो आ जाओ। फातिमा तुम्हें नॉस्टैल्जी हो गई कि यहाँ आगे? हाँ यार, मैं अपने मैके है ना, 4 साल बाद आई हूँ। चार दिन बाद भी नहीं आई मैं, कल ही आई थी। हाँ, परसों आई थी। हाँ, असल में यार ये मेरा मैका है, यहाँ पे मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है और मैं यहाँ पे वॉक भी करती थी शादी से पहले काफी, और अभी भी कभी कभार आके करती हूँ यहाँ पे वॉक। तो लाइक मैं सारी लाइफ यहाँ पे रही, यहाँ पे फातिमा वॉक कर। ये है वो अजीम जगह जहाँ पे फातिमा वॉक करती रही है सारी जिंदगी। लेकिन गाइस मैं करना भूल जाती हूँ और हम घर चले। बताओ ये आप हिना खाला के लिए लाए हो? मैं भी ये है। और ये आप हिना खाला के लिए लेकर आए हो? और ये हम हिना खाला के लिए लेकर आए। वाह, मैं सूट लेके आई हूँ हिना खाला के, हिना वाजी के लिए। ये मेरे फोन है बेटा, ये मेरी पॉकेट में रख दो, आ जाओ। चलो आओ यार, चले। ये देख रहे हैं क्या ग्रीटिंग मिली है हमें, यहाँ क्या वेलकम मिला है, मतलब आने से पहले ही माहौल बना हुआ है। अरे वाह वाह वाह, फातिमा कहाँ मुझे तुमने दरवाजे में अटका दिए। हो हो, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे हिना बाजी। ये कौन लाया था? अनम खाला। और हैप्पी बर्थडे मामा, ये डेफिनेटली बच्चे लाए होंगे मिठाई। और क्या अनम जो है वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। इनकी मामा का बर्थडे। अलमीर फुल एक्साइटेड हो गए चॉकलेट केक देख के। हाँ, हैप्पी बर्थडे, क्या बात है भाई, क्या बात है। ओहो हो हो, ऐसा लग रहा है मेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी है, आपकी भी कर लेते हैं, एक केक आप कट कर लेना। ये आ गई है फातिमा की अम्मी, जिनकी आप हमेशा बहुत तारीफ करते हैं। आपको पता है हमने पहले भी एक दफा आपकी ब्लॉग में शूट किया था तो सब लोग आपकी बहुत तारीफ करे थे, तो सब कहते हैं आप बहुत प्यारी हैं। आपका बहुत प्यार है, प्यारे तो आप लोग हैं जो प्यार को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, इंसान बनो। नानी को देखते ही फौरन बच्चे जो हैं वो खराब हो गए। ये फातिमा है। कल मैंने कहा आपने मुझे विश नहीं किया, मुझे नहीं, महावीर कह रहा मेरा मूड नहीं था। महावीर का मूड ही नहीं होता, महावीर मूड में ही नहीं आता, महावीर के अपने ही मूड रहते हैं। कहीं
ओहो तारीफ ही होती है, क्या बात है। नानी वो अलमीर को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि एक तो तारीफ ही होती है और फिर अनलिमिटेड बाहर का खाना मिलता है और गिफ्ट्स और प्रोटोकॉल शदीद वाला जो एक बच्चा सोच सकता है वो इन्होंने खराब किया हमारे बच्चों को, इन्होंने खराब किया। मुझे आप लोगों ने पूछा ना मोबाइल कहाँ से बच्चे को मोबाइल दिया, वो सब ये है, ये है टिश टिश टिश, ये है वो। बहुत प्यारा वो मैं शेयर करूंगा एक हफ्ते, लेकिन अभी जब तुम ये बिरयानी और केक और मिठाई खाओगे ना यार, वो मैं डाइट में बताऊंगा, उस पर अपने प्लान में बताऊंगा कि आप ये भी खा सकते हैं, लेकिन किस तरह खा सकते हैं वो मुझे पता है, थोड़ा सा अम्मी तो थोड़ा भी नहीं खाती हैं। आप तो वैसे ही थोड़ा सा खाती हैं। अच्छा अब तुम अपनी सास के साथ बैठे हो तो जरा कुछ बातें हो जाएं। पहली मीटिंग जरा अपनी सास के साथ तुम डिस्क्राइब करो कि पहली मीटिंग मुझे याद है जब मैं फातिमा और मैं जब एक दूसरे को पसंद करते थे, बड़ी अजीब मीटिंग थी। मैं फर्स्ट टाइम आंटी से मिलने गया था एक शादी पे, वो शादी किसकी थी, वो एहसान की थी, मरियम की, जो हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, क्लासमेट था, मरियम का क्लासमेट था, उसकी शादी थी। तो वहाँ पे मैं आंटी को मिलने गया और आंटी बैठी हुई थी लेडीज सेक्शन में जहाँ पे सब खवातीन थी। जी जी। तो अचानक आप पीछे आए, मैं डर गई, मैंने कहा कौन है, क्या है, कौन है ये, क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्या कर रहे हैं। कमल ऐसा तुम क्या, मैंने वैसे आपको हिंट दिया था पहले थोड़ा बहुत, मुझे लोगों ने हिंट दिया, लोगों ने क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक्टिंग कर रहा था उस टाइम, फातिमा भी कर रही थी, आपको पता है लोगों की आदत होती है बातें इधर की उधर करने की। पूछते थे आप कर देंगे, मैंने कहा अगर अगर अच्छा हुआ तो कर देंगे, कर दूंगी। बट आप मुझे अब बताएं कि आपने सही फैसला किया या नहीं, ये आप बताएं। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं इस बात में इस बारे में बहुत लकी हूं कि मुझे दामाद बहुत अच्छे, अल्लाह के फजल से, शुक्र से। अच्छा एक बात बताएं, अगर मतलब तुम सामने बैठ के अगर पूछोगे सही फैसला किया नहीं किया तो क्या अम्मी बोलेंगी नहीं किया। अच्छा मैं कान बंद करता हूँ, आप बताएं। नहीं नहीं, अम्मी आपने क्या नाम रखा था कमर का उसमें, बट ब्लॉक के अलावा भी जब भी मैं आता हूँ तो आंटी हमेशा मुझे बोलती है कि ये मेरा बच्चा सबसे अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आई है कि मुझे दामाद सब। अच्छा अभी हालांकि शादी से पहले सब आपको बोलते थे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, इस तरह का हूँ, किसी ने तो बोला था साहब को भी ये कर देंगी आप, ये मैं काट दूंगा, ये मैं क्या 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 ये मैं काट दूंगा। अच्छा एक बात बताएं, आपने कमल का नाम क्या रखा था उस मीटिंग के बाद? ना ये ना बड़ी मक्खन लगा दी, मक्खन लगाना पड़ता है भाई, जो लोग अपना रिश्ता लेने जा रहे हैं, जो बॉयज अपनी पसंद की शादी करने जाते हैं, सबसे पहले जाके आप सास को मक्खन लगाएं, आपका आधा काम हो जाएगा। सो ये आ गई है बर्थडे गर्ल और इनका माशाल्लाह आज 18 बर्थडे है, और यार ये ब्लैक ब्लैक का क्या सीन है, ये अलमीर ब्लैक, महाबीर ब्लैक और आप रेड और बाकी सब, आपको बताऊं मेरे लिए तो अभी भी ये बच्ची और मैं अभी पैदा नहीं हुई इनके लिए, है ना। तुम बोल रही थी मैं कबाब बनाने जा रही हूँ, हाँ तो वो रखने में है ना, क्या वो खुद ही हो गया आ जाएंगे। फातिमा के डैडी आ गए हैं और आपको पता है एक दफा एक व्लॉग के अंदर जो है वो फातिमा आपसे मिली होगी, बट पता नहीं कैसे मिली होगी फातिमा, कितने लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था कि आप अपने फादर से कैसे मिली है, है ना, सही से मिलती है ना फातिमा आपसे, टाइम नहीं होता फातिमा, टाइम ही नहीं फातिमा, जल्दी में मिलती है ना। ओए होए होए फातिमा देखो अब देखो जो तुम्हें पब्लिक से पड़ेगी ना, आप देखना आती है, कैसे आती है, जब भी काम होता है यहाँ पे आसपास, डिजाइनर के पास जाना है, टेलर के पास जाना है, मार्केट जाना है, टेलर छोड़ दिया, यहाँ का सैलून छोड़ दिया जाना, क्योंकि तुम्हारा टेलर यहाँ का सही, तुम्हें टाइम पे कपड़े नहीं देता, ये बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत प्यार से मिलती है। सना ये क्या किस्तों किस्तों में सामान आ रहे हैं यार, ये क्या सीन है ये यार, वैसे होममेड था तो मतलब मेरे लिए तो बेस्ट था, अब मुझे ये पिज्जा भी खाना पड़ेगा, ये मेरा बर्थडे नहीं है,
जिसका बर्थडे है उसकी गर्दन में चलेगी छुरी। वो देखो जिसकी माँ है वो ऐसे देख रही है मुझे। यार राजो आप तो मेकअप ही नहीं खत्म कर रही। टॉप्स टॉप्स बहुत जरूरी होती है। जैसे आप केक काटने लगे टॉप जरूर होने चाहिए आपके कानों में। बेटा आओ तुम्हारी माँ का बर्थडे है यहाँ पे सेलिब्रेट करो। हाँ तो आ जाए पहले बच्चे तो पूरे करो इनके बर्थडे गर्ल के। वो कहाँ है छोटे दो। इसको लिट कौन करेगा कैंडल्स को। ओके हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। उल्टी छुरी पकड़ के केक काटे अल्लाह। हिना बाजी की फर्स्ट बर्थडे उनको नहीं पता। अच्छा अच्छा ये फातिमा केक खिला रही है और महावीर महावीर की कोशिश है कि वो भी खाए या खिलाए। महावीर का जो प्यार है ना अपनी खाला से जो ये जो ये महावीर महावीर प्यार नहीं करता महावीर हलाल करता है हलाल। ये देखें जब गाड़ी निकल गई है तब ये पार्टी पॉपर लेकर आ गई है कि मैं ये करूं। ये ऐसे होता है सना ये केक खराब हो जाएगा। बहुत शरारती बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने इंतजार के बाद फूड जो है वो सर्व हो गया और फातिमा ये सिर्फ एक्टिंग करी है। ये सब इस बच्ची ने काम किया है। इसका नाम सना है और ये पिज्जा भी ये पिज्जा तो मैंने बनाया। अरे वाह मैं खाऊंगा ये वाला। मैं ये पिज्जा खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ब्राउन बिरयानी ब्राउन राइस की प्रॉन बिरयानी मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं प्रॉन झींगा मच्छी मटन चिकन बीफ सब सब सब। नेक्स्ट आपकी रहू मछली और प्रॉन बिरयानी। ये देखें आप मैं छिपकली और मेंढक के अलावा सब कुछ खा सकता हूँ। ये क्या प्रोटोकॉल मिलता है दामाद को ससुराल में। हाय 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 इंशाल्लाह आमीन। बस ये 3 मंथ्स के बाद हमारा प्लान पक्का है। यहाँ पे फड्डा हो गया क्योंकि सना ने सना को सब शादी का मशवरा दिए थे। मैंने बोला अभी नहीं करना आराम से करना। तो सना की नानी ने कहा है कि हमारी हो गई थी 18 में और असल बात क्या है आप बताएं। 18 साल की उम्र में अम्मी की शादी 18 साल की उम्र में नहीं हुई थी। अंकल ने बोला 53 से 74। अम्मी सिंधी में कह रही है तो क्या होना बख्शन दस। सिंधी ने भी कह रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं अब देखना। अभी तो ये लोग जा रहे हैं ना तो मेरे साथ ही है। बाहर तस्वीर पर आगे भेजना है। तो अबू क्या एज थी अम्मी की जब शादी हुई थी। लगा लो माँ बाप की एज तो पकड़ी जाती है। वो तभी तो अम्मी बच्चों की एज पता है इसलिए तो इसमें खेल रही है कि मेरी 18 में हो गई थी 16 में हो गई थी वहाँ से 3-4 साल काटने के चक्कर में। क्या फर्क नहीं 2 साल का इस उम्र में क्या वो फर्क है। एज इज जस्ट अ नंबर बट यू रिमेम्बर द नंबर ऑलवेज। अच्छा सारा मुझे बताओ आपकी एज तो अभी कम है लाइक योर 20 राइट। मेरी 21 में शादी हुई थी। नहीं सना की शादी करें 25 में। फातिमा थैंक यू सो मच इतने सारे गिफ्ट्स के लिए इतनी अच्छी सेलिब्रेशन के लिए। नहीं नहीं आपका तो आप सारा साल हमारे लिए इतना कुछ करती हैं तो एक दिन तो हमें हमारा बनता है ना करना। वैसे तो पूरा साल ही बनता है लेकिन ये मेरी बहन है जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। और जब मैं पैदा हुई थी तो अम्मी जो है उस वक्त बिजी थी क्योंकि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था तो अम्मी हॉस्पिटल में थी उनके साथ। तो हिना बाजी ने जो है ना मेरा ख्याल रखा था जब मुझे जॉन्डिस हुआ था तब। तो हिना बाजी जो है वो मेरी अम्मी की तरह है। और हैप्पी बर्थडे टू यू और हमेशा दुआएं मेरी कि हिना बाजी जो है ना हमेशा खुश रहें। आमीन से आमीन। तो इसी के साथ हम आज अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो छुप छुप के वीडियो मत देखें सब्सक्राइब करें यार। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब कच्चा दबाम टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।